सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुरा बोलना तो सभी जानते हैं, जो अच्छा बोले वो बिगड़ेल ही मिलते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज का पंचांग 9 जून 2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:09 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मेरा से 9 जून 2023 दिन शुक्रवार, आज आप किसी बड़े सम्मेलन या सेमिनार की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन आपके मनचाहे समय पर स्थान की उपलब्धता के कारण हुई हल्की सी गलतफहमी से आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है। आपको ऐसे समय में शांति बनाए रखनी होगी और सकारात्मक कोशिशें करते रहनी होगी। आज के ग्रह नक्षत्रों से अचानक फायदा होने की स्थिति बन रही है। लंबे समय से चली आ रही किसी तनाव और चिंता से राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित रुके हुए मामले संपूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मनोरंजन अथवा धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। बेकार की बातों में वक्त जाया ना करें, वरना महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है। इस कारण समस्या हो सकती है। लोगों के साथ बातचीत करते समय अहंकार से बचें। अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करें। दूसरों से मदद लेने से बचें और खुद पर भरोसा रखें। काम संबंधित टारगेट जल्द ही पूरा होगा। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातें तकलीफ का कारण हो सकती है। वाहन संभाल कर चलाएं, एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। आज आपका मन हर्षित होगा। वरिष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर हाथ से न जाने दें। इस समय व्यापारियों को दिमाग से काम लेने की जरूरत है। वित्तीय मामले पक्ष में हल हो सकती है। सावधानियां, कोई अनचाही घटना होने से बेचैनी की स्थिति बनेगी। आर्थिक नजरिए से समय ज्यादा बेहतर नहीं है। शेयर सट्टा आदि में किसी प्रकार के भी निवेश ना करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें भी आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी अविवाहित सदस्य के लिए उचित रिश्ता आने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएगी। ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करना ना भूलें। आप जहां सोच भी नहीं सकते ऐसी किसी जगह पर आपके लिए डेटिंग और संबंध बनाने का मौका मिल सकता है, इसीलिए आपको अब सभी से मिलने जुलने की जरूरत है। यह समय उस मुश्किल संबंध को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे। बात करते हैं करियर की। जो लोग विलासशीलता के सम्मान के व्यवसायों में शामिल हैं, वो लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपने विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। इनकम में सुधार होगा। कागजी काम करते वक्त लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्य की गुणवत्ता बेहतर बनाने की कोशिश करें। नौकरी में बदलाव के योग भी बन रहे हैं। बात करती हैं सेहत की। अपने सेहत को लेकर सजग रहें। कोई पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। गर्मी से अपना बचाव करें तो अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक
मेहनत वाले व्यायाम में करना ना भूलें। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती है, इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे अजमा सकती हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। खाने में अधिक मीठे से बचें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।